चलो देखो ये वाला जो प्रश्न है ये भी वहां नोट कर लेना, 2019 का प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है ये। बोल रहा है कि प्रमेय दूसरा है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमित संख्या। ठीक, तभी बताओ ना, जब भी इसको अपरिमित सिद्ध करना होगा तो तुम मान लोगे, माना अंडर रूट टू इसके विपरीत माना जाता है हमेशा, माना अंडर रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या। तो जो ही परिमेय संख्या हो जाएगा दिमाग में दौड़ा देना, परिमेय संख्या ए बटा पी, सॉरी पी बटा क्यू होता है, लेकिन यहाँ पर ए बटा बी लिखा हो तो आप ए बटा बी आ गए ना, अतः ए बटा बी के रूप में अंडर रूट टू को लिख सकते हैं व लिखा जा सकता। ठीक, जब इतना लिख लोगे तो यहाँ लिख देना कि जहाँ ए और बी सौ अभाज्य संख्या है और ए और बी का, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, जो कि परिमेय संख्या हो गया है। तो आप जानते हो ना कि परिमेय संख्या बड़ी हो p बटा q, तो आप यहाँ पर होता है p बराबर जीरो, q नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप इसको दिखा देना कि q नॉट है, b नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अब देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर अंडर रूट टू बटा अंडर रूट टू बराबर एक बटा में बी, अब बी को आप यहाँ पर एक मानकर तिरिया गुणा कर दो, देखो गुणा क्यों नहीं यहाँ, तो ये हो जाएगा बी अंडर रूट टू कितना हो जाएगा, टू बराबर कितना हो जाएगा, थ्री हो गया इतना। फिर अब करना दोनों पक्षों को क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दोगे दोनों पक्षों का, देखो बी स्क्वायर इसका वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट से हट जाएगा, दो हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखोगे टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, हो गया। तो इसमें जो गुणांक होता है इससे रिलेशन बना देना, अब लिखना है कि टू, चूंकि टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है ना, तो फिर लिखना है कि टू ए को भी विभाजित करेगा, लेगा हूँ परिमेय वन से, तो तुम इसमें लिख ही लेना कि चूंकि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए पी ए को भी विभाजित करेगा, इसमें तुम लिख देना। ठीक, इतना हो जाएगा, तो बोल ये वाला तुम्हारा हो गया रिलेशन ना, तब इसी को तुम मान लेना, ए बराबर क्या लिख दोगे, टू सी, सी के जगह पर तुम के मान लो, एम मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस बी मत मान लेना। तब यहाँ से कर दोगे इसका मान समीकरण नंबर एक में रख दो, यहाँ रखोगे ना यहाँ पर, तो देखो टू बी स्क्वायर बराबर टू सी, यहाँ ए का स्क्वायर है तो टू सी का स्क्वायर, तो दो दोनों के चार सी स्क्वायर हो गया, तो टू से टू कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा टू सी स्क्वायर, तब इसमें रिलेशन किस में जाएगा, बी वाले में, क्योंकि और बी है। तो फिर क्या लिखोगे, चूंकि टू बी स्क्वायर को विभाजित करता है अतः टू बी को भी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, और ये किससे हम बोल रहे हैं, तो आप लिख देना परिमेय नंबर वन से, आप इसमें लिख ही लेना क्वेश्चन में। ठीक, अब यहाँ से लिखोगे अतः इतना हो गया दोनों में ना, तो तुम क्या माने हो, देखो आप ऊपर माने हो कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक के अतिरिक्त एक गुणनखंड दिखा रहा है, कौन सा, ए टू टू दिखा रहा है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वही टू जो दिखा रहा है। ठीक, दिखा रहा, परंतु इस नियम से विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः ए कामा बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक, यह हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हम त्रुटिपूर्ण, ये वर्ड ध्यान दो, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, अतः इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अंडर रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अरे वो समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अब इसी पर देखो, अब इसी पर तुम क्या कर सकते हो, अंडर रूट थ्री कर सकते हो, देखो अंडर रूट थ्री कर लो यहाँ पर, अब अंडर रूट थ्री हो जाएगा तो फिर यहाँ तुम लिख लेना कि माना अंडर रूट थ्री ये क्या है, परिमेय संख्या है, अतः ए बटा बी के रूप में अंडर रूट थ्री को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जहाँ ए और बी का सौभाज्य सौभाज्य संख्या लिखा हो, सौभाज्य गुणनखंड कर लीजिए यहाँ पर,
ए और बी का स्वाभाव नेगेटिव है, ए और बी स्वाभाव संख्या है और ए का व बी का वैनिट गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर लोगे, थ्री कर लोगे, यहाँ कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, हो गया ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो यहाँ देखो ये थ्री हो जाएगा, अब यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे तो थ्री बाहर हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा तुमको। अब देखो अब यहाँ पर तुम यहाँ इसे लिखना है कि थ्री ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए थ्री किसको विभाजित करेगा, ए को विभाजित करेगा, हो गया। अब फिर तुम अब एक ये टू की जगह पर क्या ले लोगे, थ्री ले लोगे, ये थ्री ले लोगे तो यहाँ थ्री का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तितली के नौ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो तितली के नौ हो जाएगा, ये थ्री भी है, अब यहाँ से कट करा दोगे तो तितली के नौ होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका थ्री। फिर इससे रिलेशनशिप बना देना इससे, तो फिर वही लिख दोगे कि क्या चाहिए, थ्री बी स्क्वायर को विभाजित करता है, टू थ्री डी को भी विभाजित करेगा फर्वे नंबर वन से, बाकी आप ठीक है इतना, और आप यहाँ अंदर थ्री कर देना, दो ठीक सवाल हो गया ना। आप इसी पर अंडर रूट फाइव भी कर लेना, अंडर रूट सिक्स भी कर लेना, कर लीजिए।